जोरदार बारिश का असर देखने को मिला। पुरानी टोंक इलाके में सड़कें दरिया बन गई है। सड़कों पर तेज बहाव के बीच बाइक बहती हुई नजर आई। देखिए बाइक रोकने की कोशिश करते हुए लोग भी नजर आए। टेलीविजन स्क्रीन पर आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की टोंक के फिलहाल हालात है। टोंक में 2 घंटे की बारिश से हालात बिगड़ गए। शहर की कई निचली बस्तियां और कॉलोनियां जो है जलमग्न यहाँ पर हो गई। शहर की काली पलटन सहित कई इलाकों में दुकान और मकानों में गंदा पानी घुस गया। शहर में मानसून पूर्व सफाई के नाम पर लाखों रुपए की जो कार्य की पुल है वो यहां पर खुल गई और गंदगी से भरे पड़े हैं शहर के नाले। पानी की निकासी के मार्ग पर पक्के अतिक्रमण बने हुए हैं। ऐसे में पानी निकलने में मुश्किल यहां पर आ रही है और लोगों ने पहले ही जिला प्रशासन और नगर परिषद को अवगत कराया था, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई यहां पर नहीं हुई। और अब इन सब के बीच में जो आम लोग हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही है, क्योंकि लोगों के मकान के अंदर गंदा पानी घुस गया है और देखिए निचली बस्ती और कॉलोनियां पूरी तरह से जलमग्न यहां पर हो गई। अधिक जानकारी लेते हैं, सहयोगी वजाहत हमारे साथ बने। वजाहत, कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं टोंक से, जहां पर देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो दरिया बन गई है। पूरा जो टोंक है जलमग्न नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पानी की निकासी के लिए जो पक्के अतिक्रमण है वो भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है। वजाहत जी बिल्कुल इंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह से टोंक में रिमझिम बारिश थी। उसके बाद जब 2 घंटे के करीब तेज बारिश हुई तो इस बारिश ने नगर परिषद और जिला प्रशासन के जो दावे हैं उनकी पोल खोलकर यहां पर रख दी है। मानसून पूर्व नगर परिषद की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से दावे किए गए थे, लाखों रुपए के टेंडर जारी किए गए थे, नालों की सफाई के दावे किए गए थे, लेकिन आज ये दावे पूरी तरीके से पानी में बहते हुए नजर आए। जब पानी यहाँ पर वाटर लॉगिंग के हालात हुए तो लोगों के दुकानों में, घरों में जो गंदा पानी था बरसाती नालों का वो घुस गया। लगातार लोग इसकी शिकायत जिला प्रशासन से, नगर परिषद से पहले भी कर चुके हैं, लेकिन नतीजे के नाम पर आज भी जो दावे थे वो कहीं ना कहीं धाराशाही यहाँ पर होते नजर आए हैं। क्योंकि कई निचली बस्तियां हैं, काली पलटन, गुलजारबाग सहित कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जरा सी बारिश में ही हालात बस से बदतर हो जाते हैं, लेकिन आज 2 घंटे बारिश हुई जिसके बाद घरों में पानी भर गया, दुकानों में पानी भर गया और लोग सड़कों पर आ गए। लोगों में खासा आक्रोश नगर परिषद के और जिला प्रशासन के लेकर लोगों में नजर आया। भंवर रोड पर लोगों ने इसको लेकर जाम भी लगाया था। जी बिल्कुल वजाहत, एक तस्वीर हमने वो भी देखी जिसमें बाइक बहती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं जिस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से तमाम बड़े दावे किए जाते थे, लोगों ने हालांकि पहले ही अवगत कराया था लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई। कहीं ना कहीं वजाहत, अब सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को है जिनके घरों में पानी घुसा है। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो दुकान चलाते हैं, दुकान से अपनी रोजी रोटी जो है वो कमाते हैं और ऐसे में उनके दुकान में इस तरह से गंदा पानी घुस रहा है, तो सोचो कि उनके दुकान में कितना नुकसान यहाँ पर होगा। जी इंदु, बड़ी बात यही है, प्रश्न यही उठता है कि इनकी नैतिक जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी, क्योंकि लोगों ने लगातार शिकायत की थी। मानसून पूर्व लिखितों में शिकायत है कि इन लोगों ने जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर सौम्या झा को इस मामले में अवगत कराया था, नगर परिषद आयुक्त ममता नगर को अवगत कराया था, लेकिन जब बारिश हुई तो फिर से कमोबेश वही हालात यहाँ पर देखने को मिले हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, पहले टोंक में 388 करोड़ रुपए की लागत से वाटर वर्क्स और सीवरेज के कार्य किए गए थे, लेकिन जब से ये कार्य हुए हैं उसके बाद से शहर के हालात और ज्यादा बदतर हो गए हैं। कई वाटर लॉगिंग के स्पॉट जो हैं वो नए बन गए हैं, जहां पहले कभी पानी नहीं जमता था। इस बार की बारिश में वाटर सीवरेज कार्यों के बाद उन जगहों पर भी पानी देखने को मिला है। जो सीवरेज के चैंबर हैं वो लगातार उबलते रहते हैं, कोई कार्य नहीं किया जाता, इसको सुधार को लेकर लोग लगातार शिकायत भी करते हैं। आज हालात इस तरीके के देखने को मिले, जब बरसात हुई तो पानी अंदर लोगों की दुकानों में घुस गया, घरों में घुस गया, फर्नीचर खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लोगों के खराब हुए, गंदा जो पानी था बदबूदार वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं घर में भर गया, लोग उसको निकालने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीमारी भी इससे फैलने का खतरा यहाँ पर है। जी बिल्कुल, और वजह देखिए तो मात्र 2 घंटे की बारिश, अगर अब हम आने वाले महीने की बात करें तो पूरा का पूरा सावन अभी बचा है जिसमें जमकर बरसते हैं मेघ। ऐसे में अब अगला कदम प्रशासन की तरफ से क्या होने वाला है? जी बिल्कुल इंदु, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं पूरा सावन बाकी है, मानसून की टोंक में दूसरी या तीसरी बारिश है जिसमें ये हालात होते नजर आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो नाले हैं, एक तो उनकी प्रॉपर ढंग से सफाई नहीं की जाती, उन पर अतिक्रमण है, पक्के अतिक्रमण करके नालों को पूरी तरीके से यहाँ पर कवर कर दिया गया है, जिसके चलते सिर्फ सफाई के नाम पर खाना पूर्ति यहाँ पर होती है। इसके साथ साथ जो रेडी आवास है जहाँ का पूरा निकासी पानी की होकर निकलती है, वहां पर मकान बन गए, कॉलोनियां कट गई और जो पुराने जलाशय थे वहां पर मकान बन गए, वहां पर अतिक्रमण लोगों ने लगातार किए, लेकिन नगर परिषद ने इस ओर कोई सूट नहीं लिया। अब एंड टाइम जो सावन का महीना है, बारिश का महीना है, इसमें नगर परिषद को ये सब चीजें याद आ रही है। अब हो सकता है कि इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाए और जो पक्के अतिक्रमण है, स्थायी अतिक्रमण, उनको तोड़ने की कार्रवाई नगर परिषद की ओर से की जाए। चलिए वजाहत, बहुत शुक्रिया आपने विस्तार से जानकारी साझा करी उसके लिए।